सिनोनिम सीरीज़ का ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें मैं 10 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। सिनोनिम्स को पहले हम समझ लें, इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है। सिनोनिम्स एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते हैं। जब दो वर्ड्स का स्पेलिंग ही अलग अलग है तो वो एग्जैक्ट नहीं हो सकते, बट क्लोज हो सकते हैं, नज़दीक हो सकते हैं, आसपास उनका मीनिंग हो सकता है, बट वो एग्जैक्ट नहीं होते। तो पहली चीज़ तो अपने दिमाग से बात निकाल देनी चाहिए। सिन में साइनो मीन्स होता है एक सा, और निम्स मतलब होता है नाम। सो एक से नाम, बट ये एग्जैक्ट नहीं होते। बट एनीवेज, तो पहला क्वेश्चन पहला है गैरिश। गैरिश मीन्स होता है भड़कीला या चमकदार। इसको जैसे कि रणबीर सिंह बॉलीवुड स्टार, वो अजीबोगरीब कपड़े हमेशा पहनता है, बहुत ही भड़कीले से, चमकदार से, बट उनका जो फैब्रिक होता है उन कपड़ों का, वो चीप नहीं होता। तो ये भड़कीले से ऐसा लग रहा है कि बड़ा नेगेटिव वर्ड है, बट याद रखिएगा इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। टॉडरी होता देन ये नेगेटिव होता है। तो इसका फैब्रिक है, या फिर फैब्रिक है जो बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसे पेंट के केस में, पेंट्स के केस में हम ये देखते हैं दीवारों पे जो लगाते हैं गैरिश, तो भड़कीला या चमकदार। अब इसके ऑप्शन हैं चार। पहला ऑप्शन है वॉल्यूबल। वॉल रूट वर्ड में मैं बताऊंगा इसको। वॉल मीन्स होता है घूमना, टू रोल करना, टू रोल मतलब घूमना, और इसी से वॉल्यूम बना है, रिवॉल्वर बना है, एवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो वॉल्यूबल मीन्स होता है जो जिसकी ज़बान बहुत तेज़ चलती हो, रोटेट करती हो, अफ्लुएंट स्पीकर यू कैन से, जो बहुत ही बातूनी है, बहुत ही बातूनी मतलब बातूनी हो, उसको हम वॉल्यूबल कहेंगे। सो चमकदार, भड़कीला, ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ए जो है, ये तो मैच नहीं कर रहा। नेक्स्ट है बम्बास्टिक। बम्बास्टिक मीन्स जो छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, किसी एक छोटी सी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताए, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, बम्बास्टिक। प्रोनंसिएशन बहुत मैटर करता है वोकैब बिल्डिंग में, ये मैं बताता चलूँ। सो बम्बास्टिक मीन्स बढ़ा चढ़ा कर बताने वाला। तो ऐसे तो ये तो दोनों बातचीत पे हो गए। नेक्स्ट है गॉडी। गॉडी, हाँ, ये इसका मतलब होता है भड़कीला। नेक्स्ट अरोमा। अरोमा मीन्स होता है खुशबू। अरोमा ऑफ फूड, तो सही ऑप्शन इसमें है गॉडी। आई होप कि ये क्वेश्चन हम लोगों ने जिस तरह से डिस्कस किया, बाकी भी हम करेंगे इसको। मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप वर्ड्स को, अगर आप सचमुच में कॉम्पिटिटर हैं और वर्ड्स को आप रटते हैं, देन इट्स सुसाइडल। ये आप वर्ड्स को रट नहीं सकते, कितना रटेंगे, और वो काम भी नहीं आएगा। वर्ड्स, इंग्लिश के एक्सपोजर को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कुलैक। कुलैक मीन्स होता है किसान, लेकिन जो समृद्ध है, जो
जिसके पास सब कुछ मौजूद है, सब कुछ से मतलब यहाँ पर कि मतलब समृद्ध किसान है वो। समृद्ध किसान गैरुलस, गैरुलस मीन्स होता है ये भी, जैसे यहाँ पे वॉल्यूबल था वैसा ही गैरुलस है। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, तो बातूनी इसको भी कह सकते हैं आप। तो ये तो इससे मैच ही नहीं कर रहा। रूथलेस मर्चेंट, रूथलेस मीन्स होता है बेरहम, और मर्चेंट मीन्स व्यापारी, बेरहम व्यापारी। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है वेल्दी पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान, और वेल्दी यू नो वेल्थ से बना है, यानी ये भी समृद्ध वाला मामला ही है। वेल्दी जिसके पास धन दौलत और बाकी चीज़ें हैं। रस्टिक, रस्टिक मीन्स होता है गंवार या जो देहाती हो, देहात के रहने वाले, मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकते वहाँ से भी लोग काबिल लोग होते हैं, लेकिन देहात, देहाती जिसके हरकत में गंवार पना हो, गंवार जो हो वो उसको रस्टिक कहते हैं। सो सही ऑप्शन यहाँ पे वेल्दी पीजेंट होगा। नेक्स्ट नोमैडिक, नोमैड, नोमैडिक मतलब खानाबदोश। या जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हो, जिसकी फितरत में घूमना टहलना हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे, ऐसे व्यक्ति को हम खाना, जैसे बंजारे लोग होते हैं, बंजारे लोग होते हैं उनको हम कह सकते हैं नोमैडिक्स या नोमैड्स भी बोलते हैं। तो इसके चार ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है अजाइल, अजाइल मीन्स होता है फुर्तीला या फुर्ती, क्विकनेस यू कैन से, क्विकनेस, हाउ क्विक यू आर, क्विकनेस। तो ये तो इसका प्लेथरा, प्लेथरा थोड़ा, हालांकि इसमें थोड़ा लिखा, थोड़ा लिखा हुआ है, बट ये बहुत ज़्यादा होता है, किसी चीज़ की किसी चीज़ का प्रचुर मात्रा में होना, बहुत ज़्यादा, अबंडेंस ऑफ एनीथिंग, अबंडेंस ऑफ समथिंग, वो होता है प्लेथोरा, मतलब कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा है या पर्याप्त मात्रा में है। प्लेथरा, इसको वैसे उल्टा करके सोचिएगा तो ये याद भी, ये वर्ड याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेंडरिंग, वेंडरर क्या होता है, वेंडरर होता है आवारा, घूमने टहलने वाला, बहुत ज्यादा घूमने वाला। सो वेंडरिंग यानी आवारगी, आवारगी और बंजारे लोग, खानाबदोश होना, यानी कि ये भी घुमक्कड़ लोग ही हैं। तो ये ऑप्शन सही जा रहा है। अभी लास्ट देख लेते हैं, ग्रम्बल, ग्रम्बल मीन्स होता है भुनभुनाना या बड़बड़ाना। वाई आर यू ग्रम्बलिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स होता है परिणाम या नतीजा कह सकते हैं आप इसको, नतीजा, हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कोई भी आप स्टेप लेते हैं। सो इसका ऑप्शन ए है रिजल्ट, रिजल्ट मतलब भी नतीजा ही होता है, परिणाम ही होता है, बट आंसर तो है, लेकिन तीन और
सॉल्व कर लेते हैं. श्रिव, श्रिव मीन्स होता है, श्रिव मीन्स एक जो पीविश नेचर की वुमन हो, कोई लड़ाकू स्त्री कह सकते हैं आप. लड़ाकू स्त्री ही होता है इसका, तो उसको श्रिव कहते हैं. ब्लिंक मतलब आग झपकाना. स्केप्टिक, स्केप्टिक मीन्स होता है शक्की, शक करने वाला. आई एम नॉट स्केप्टिक, यू आर स्केप्टिक, शक्की. नेक्स्ट इंसिपिड, इंसिपिड मीन्स फीका, फीका, फीका टेस्ट में. डोसाइल, डोसाइल मीन्स जो बहुत ही विनम्र हो, सीधा साधा हो. टेस्टलेस भी होगा वही, तो टेस्ट जायका है, फीका ही होगा इसका आंसर. ये तो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा, इसमें ऑप्शन ए सही था. मेटल, मेटल मीन्स होता है काबिलियत. अच्छा हाँ, एक एक और मेटल, मेटल होता है एम ए टी ए एल ई, वो मेटल मीन्स धातु, वो एकदम अलग बात है. यहाँ पे दो बार टी है, इसको याद रखेंगे. और ये ऐसे वर्ड्स बहुत पूछे जाते हैं जो कंफ्यूज करते हैं. लास्ट कैनिबल, कैनिबल वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो आदमी को खाए, इंसान को खा ले, वो कैनिबल होते हैं, नरभक्षी. इस आप लोगों ने अगर रॉन्ग टर्न देखी हो तो उस मूवी का थीम ही है ये, आदमी का शिकार करना. एब्स्टेन नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे तो ठीक है, ऑप्शन भी सही था. एब्स्टेन, एब्स्टेन मीन्स परहेज करना, किसी चीज से दूरी बनाना, परहेज करना. अकॉर्ड, अकॉर्ड मतलब एकमत, इसी से बनना है अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हर, सो एकमत. इजेक्ट, इजेक्ट मीन्स होता है बाहर निकालना. वो ज़माना याद होगा जब सीडी प्लेयर्स होते थे, सो उसमें भी इजेक्ट का एक ऑप्शन होता था, इजेक्ट करते थे. फेरोशियस क्रूर या बेरहम. रिफ्रेन, रिफ्रेन मीन्स होता है परहेज, सो सही ऑप्शन है डी. नेक्स्ट है गैरुलस, गैरुलस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसका मतलब होता है बातूनी. क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब क्रोनोलॉजी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा क्रोनोलॉजी. एक क्रोनोलॉजी मतलब हिस्ट्री, हिस्टोरिक इवेंट्स को हम ऑर्डर में जब करते हैं, सो उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं. ये क्रोन से, मैं रूट वर्ड अलग से भी कराऊंगा रूट वर्ड्स वाले सीरीज में. फिलहाल इसको समझिए कि जो दीर्घकालिक हो, जो लंबे वक्त तक चले, लंबे समय तक चले. जैसे बहुत सारी डिजीज होती हैं, क्रॉनिक डिजीज उनको बोलते हैं, जो शुरू हो जाती हैं तो बहुत वक्त तक चलती ही जाती हैं, चलती ही जाती हैं. सो ऐसे को हम क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं. क्रॉनिक मतलब दीर्घायु, बातूनी से इसका कोई कोई कनेक्शन ही नहीं है. पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब होता है बहुत, एक से ज़्यादा, और ग्लॉट लैंग्वेज, तो पॉलीग्लॉट यानी एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानने वाला. जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ऐसे अगर आप किसी से इसको रिलेट कराएंगे, कोई कनेक्शन बनाए, किसी से एसोसिएट करेंगे, तो वर्ड्स जो हैं लंबे
समय के लिए याद रहते हैं। सो वर्ड्स को रटने के बजाय वर्ड्स को हमें समझना चाहिए। नेक्स्ट है टॉकेटिव, ये भी हम लोग कर चुके हैं। सो टॉकेटिव मतलब बातूनी, बातचीत जो करता हो बहुत ज़्यादा या ज़्यादा। सो ऑप्शन तो यही है। रेबल, रेबल मतलब विद्रोही। विद्रोही विद्रोह रेबल गवर्नमेंट या समाज के खिलाफ कोई हथियार उठा ले किसी अनुचित फैसले के कारण, तो वो रेबल, रेबल उसी केस में। सो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। डॉन्टलेस, डॉन्टलेस मतलब निर्भीक, जो डरता ना हो, या जिसको हम दबंग भी कह सकते हैं। दबंग मूवी आने वाली भी है, पार्ट थर्ड। फिल्म देख के टाइम मत बर्बाद करिएगा, बस ऐसे ही बता रहा हूँ, रिलेट कर लीजिए। डॉन्टलेस दबंग, तो ऐसा ही कोई वर्ड हमको ढूंढना पड़ेगा। प्रेज वर्दी, प्रेज मतलब तारीफ, वर्दी मतलब काबिल, तारीफ के लायक जो, प्रशंसनीय हो, जो तारीफ के काबिल, उसको हम कहते हैं प्रेज वर्दी। फेयरलेस एंड डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब जो पक्के इरादे वाला हो, दृढ़ संकल्प कह सकते हैं, मजबूत। फेयरलेस मतलब निडर। सो ऑप्शन तो यही है, बट दो और डिस्कस कर लेते हैं। सोमनैम्बुलिस्ट, एम्बल, इस पे तो मैं अलग से रूट वर्ड भी कराऊंगा। सोम मतलब नींद से, यहाँ पे मतलब है जो नींद में चलने वाला होता है। एम्बल मतलब होता है चलने वाला या चलना, सॉरी चलना, और यहाँ नींद से, तो नींद में जब चलने की, ये बीमारी ही है एक तरह से, बीमारी ही है आई थिंक। तो सोमनैम्बुलिस्ट नींद में चलने वाला, नींद में चलने वाला वाला। ऑप्शन तो सही थे, बिगैमी, बाइगैमी या बिगैमी। तो गैमी मीन्स शादी और बाई मीन्स दो, तो जिसने दो शादी की हो। सो ऑप्शन यही सही, ऑप्शन बी, फेयरलेस एंड डिटरमाइंड। नेक्स्ट नोवाइस, नोवाइस मतलब होता है नौसिखिया या नया। बाइपेड, दो पैर, पेट पैर, दो पैरों वाला। तो ये तो, ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। कॉवर्ड, कॉवर्ड मतलब होता है कायर, डरपोक, जिसमें करेज ना हो। तो वैसे एक इसमें एक पॉइंट याद करने का है, याद रखने का है, कॉवर्ड हमेशा मैन के लिए आता है। अगर कॉवर्ड कहा जा रहा है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो मैन के बारे में बात हो रही है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है वनडे एग्जाम्स में। बिगिनर, हाँ ये होता है नया, जो हो नया नया जिसने, तो नौसिखिया ये भी है, जिसने अभी सीखना शुरू किया है। ऑप्शन यही सही। डिकेड, डिकेड मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 years और अ स्पैन ऑफ 10 years, यू कैन से दशक, दशकों से, दशक, दशक डिकेड। सो ऑप्शन सी इसमें सही था। एब्रीशन, एब्रीशन मतलब भटकना होता है।
भटकना कई तरह का हो सकता है, रास्ते से भटक जाना, मकसद से भटक जाना, अपने लक्ष्य से भटक जाना। एनीवेज, तो पहला ऑप्शन है मैग्नी पोटेंट। पोटेंट मतलब होता है पावर से, ताकत, ताकतवर। मैग्नी मतलब मैग्नानिमस, इसी से बना है। मैग्नी मतलब बड़ा, बिग, लार्ज कह सकते हैं इसको, और बिग कह सकते हैं। सो पावरफुल, अगर कोई इंसान बहुत, कोई व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है, सो उसको हम मैग्नी पोटेंट कहेंगे, पावरफुल। जैसे हमारे अंबानी जी हैं, बहुत पावरफुल हैं। डेविएशन, डेविएशन, टू डेविएट फ्रॉम द राइट पाथ, सही रास्ते से भटक जाना, इसका मतलब भी होता है भटक जाना, भटकना। ये सही ऑप्शन बी है। दो और डिस्कस कर लेते हैं। बेवरेज, बेवरेज इज समथिंग, वाटर, वाटर को छोड़ के कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है, एक्सेप्ट वाटर, जो भी लिक्विड फॉर्म में है वो सब बेवरेज कहलाएगा, पेय पदार्थ, पदार्थ। एम्बल, एम्बल मीन्स होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलना।